सलमा हैदर सचिन के प्यार में पड़कर सरहद लांघकर हिंदुस्तान आ पहुंची। हिंदुस्तान की सीमा सुरक्षा की धज्जियां उड़ गई। सरकार सवालों से घिरी हुई है कि आखिर सीमा अपने साथ चार बच्चों को लेकर सीमा पार कैसे कर आ गई। और सिर्फ सीमा की ही नहीं, न जाने कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। इससे पहले चीनी नागरिक भी पकड़े गए थे, लेकिन फिर भी सरकारें सोई हुई हैं। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीत। क्या भ्रष्टाचार की पोल को खोलता हुआ सच नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय भी कह चुके हैं कि सीमा पर भ्रष्टाचार चल रहा है। 2,000 रुपए में आधार कार्ड और वोटर कार्ड बन जाते हैं। क्या ये घटना इस भ्रष्टाचार को सच साबित नहीं करती? भ्रष्टाचारी लगातार पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी सीमा हैदर भारत आ गई और इसके जैसे न जाने कितने लोग भारत आ रहे हैं। आज कुछ आंकड़ों के जरिए इस कहानी का वो एंगल आपको दिखाएंगे जिसे दिखाने से हर कोई कतराता है। भारत नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और इस सीमा के साझेदार हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। इन सभी राज्यों में बिहार सबसे ज्यादा सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। वो करीब 726 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। अब यहाँ दिक्कत पता है आपको क्या है? नेपाल भारत का मित्र देश है और इसी वजह से वो पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं कर पाता, तारबाड़ करने का काम। हालांकि नेपाली नागरिक कई जगह पर तारबाड़ का विरोध भी करते देखे गए हैं और इस तारबाड़ के ना होने से चीन और पाकिस्तान के इसका पूरा फायदा उठाते हैं। नेपाल के जरिए वो अपने घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर भारत क्या अपनी सीमा की सुरक्षा करने में नाकामयाब साबित हो रहा है? क्यों हम ये गैर कानूनी काम होने देते हैं? इस घुसपैठ का सबसे सटीक उदाहरण सीमा हैदर है जो पकड़े जाने से पहले 50 दिन तक भारत में रही थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अगर सीमा एक गलती ना करती तो शायद वो नहीं पकड़ी जाती। अगर वो कोर्ट मैरिज करने के लिए कानूनी सलाह ना लेती तो नहीं पकड़ी जाती। पबजी गेम भारत में क्या क्या करवा रहा है बताने की जरूरत नहीं है। कहीं धर्मांतरण करवा रहा है तो कहीं घुसपैठ करवा रहा है। अपने पहले पति को छोड़कर भारत आई सीमा हैदर जब 4 छोटे बच्चों को लेकर भारत आ सकती है तो फिर शातिर घुसपैठ ही कितनी आसानी से आ रहे होंगे आप खुद सोच सकते हैं। सीमा के पास न कोई कागज था न कोई वीजा, लेकिन फिर भी वो भारत की सीमा में दाखिल हो गई और रह भी रही थी। सीमा हैदर ने हमारी व्यवस्था को चैलेंज किया है। सीमा हैदर के पकड़े जाने के बाद जब पुलिस को उसके आने का रूट पता चला तो नोएडा पुलिस ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को एक लेटर लिखकर मामले की जांच करने को कहा और मंत्रालय को भी लेटर लिखकर नेपाल के रास्ते से आने वाली एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा टाइट करने की गुहार लगाई। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने कई चीनी नागरिकों को नेपाल के जरिए भारत में एंट्री कर यहाँ अवैध तरीके से रहने के बाद पकड़ा है। चीन भी कर रहा घुसपैठ। जो भी कोई घुसपैठ कर भारत आता है वो आकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ही क्यों रुकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इनके रहनुमा यहाँ पहले से रहते हैं जो इनकी मदद करते हैं आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसी चीजें बनवाने में? जाहिर सी बात है सब पैसे का खेल है। पिछले साल भी 2 चीनी नागरिकों को यहाँ दबोचा गया था। इसी महीने 6 जुलाई की बात है जब नेपाल के रास्ते आकर भारत में रह रहे चीन के 2 नागरिकों डेंग चोको और मैग हाउजे को STF ने गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए गए थे। ये फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड यही हिंदुस्तान में किसी ने बनाए होंगे, वो चीन से यहां लेकर नहीं आए होंगे। 10 दिन पहले STF ने 2 ऐसे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था जो चीनियों के भारतीय पासपोर्ट तक बनवाते थे। ये है भ्रष्टाचार जो देश को खोखला करने का काम कर रहा है। आधार और पैन कार्ड तो कुछ भी नहीं जब यहाँ लोग फर्जी पासपोर्ट तक बनवा देते हैं। अगर ये भ्रष्टाचार ना हो तो फिर ये लोग यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन सरकार इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती हुई नहीं दिखती। मैग हाउजे उन्हीं आरोपियों का साथी है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला था कि मैग हाउजे ओप्पो फैक्ट्री में नौकरी करता था। अक्टूबर 2022 में
पुलिस ने उसको बिना वीजा के पकड़ा था। उसको उसके देश चीन वापस डिपोर्ट भी कर दिया गया था। चीन पहुंचने के बाद वो टूरिस्ट वीजा पर नेपाल आया, वहां से बस में सवार होकर महाराजगंज बॉर्डर के रास्ते और वो फिर से ग्रेटर नोएडा आ पहुंचा और यहां अवैध रूप से रहने लगा। जांच में पता चला कि आरोपी ने खुद के आदि शर्मा नाम का एक फर्जी आधार कार्ड बना लिया था। अब यहां इस बात की क्या गारंटी है कि चीन से सिर्फ ये दो नागरिक ही भारत आए होंगे और नागरिक भारत नहीं आए होंगे। इन पकड़े गए दो नागरिकों को तो वापस डिपोर्ट कर दिया गया था। नेपाल का रास्ता घुसपैठियों के लिए लगातार उनका घर का रास्ता बनता जा रहा है। जो चाहे जब आए और जब चले जाएं, क्यों नहीं इस घुसपैठ पर रोक लगाई जाती। पिछले दिनों भी एसएसबी ने चीनी नागरिकों को वापस जाते हुए पकड़ा था, वो भी 18 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में घूम रहे थे। अब वो यहां क्या सिर्फ घूमने तो नहीं आए होंगे, जाहिर सी बात है वो क्या करने आए थे ये पता लगाने का काम जांच एजेंसियों का है। अब आप यहाँ सीमा से पहले जो सीमावर्ती इलाकों से रिपोर्ट आई थी उस पर गौर करिएगा। सीमावर्ती इलाकों से आ रही चौंकाने वाली रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 के बाद से अब तक 32% मुस्लिम आबादी वहां बढ़ चुकी है, जबकि देश में यह आंकड़ा 15% रहा है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी में इस बढ़ोतरी को बेहद चिंताजनक बताया है। ऐसे में उनकी ओर से कहा गया है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर कर दिया जाए, ताकि बीएसएफ सीमा से 100 किलोमीटर के अंदर तक तलाशी अभियान चला सके। इससे पहले साल 2021 में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र मात्र 15 किलोमीटर था, जिसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 5 सीमावर्ती जिले हैं। इनमें कुल 1000 गांव मौजूद हैं। इनमें से 116 गांवों में मुस्लिम समुदाय की आबादी 50% से ज्यादा हो चुकी है, और वहीं कहीं करीब 303 गांवों में इनकी आबादी 30% से लेकर 50% तक पहुंच चुकी है। इनमें मस्जिदों और मदरसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने की बात कही गई है। कहा गया है कि मदरसे मस्जिदें लगातार कुकुरमुते की तरह उगा रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इनकी संख्या में 2018 से 2022 के बीच करीब 25% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। सुरक्षा एजेंसियों की इस रिपोर्ट को आए साल भर बीत चुका है, लेकिन सीमा और इकरा आज भी भारत आ रही हैं। सीमा के बाद सुनिए इकरा की कहानी। इकरा भी आ चुकी है भारत। अच्छा, यहां एक कहानी और भी सुनिए। सीमा हैदर ही प्यार में सरहद पार कर भारत नहीं आई है। इससे पहले भी इकरा नाम की एक लड़की ऑनलाइन गेम खेलते खेलते भारत आ चुकी थी। सीमा हैदर जहां पबजी खेल रही थी, इकरा वहीं लूडो खेल रही थी। इकरा को प्रयागराज के मुलायम सिंह से प्यार हो गया और वो भी भारत आ गई। बेंगलुरु पुलिस ने इकरा और मुलायम दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ करने के बाद उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। इकरा भी नेपाल होते हुए भारत आई थी। सोची जब इकरा, सीमा हैदर और चीनी नागरिक भारत आ सकते हैं, तो पाकिस्तान और चीन अपने जासूस यहां प्लांट क्यों नहीं कर सकते। इन सब घटनाओं के जिम्मेदार हैं भारत और नेपाल के दोस्ताना रिश्ते। यहां 10 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों की बसें चलती हैं। क्या इनके वीजा की जांच नहीं होती? क्यों नहीं पता किया जाता कि कौन कहां से आया है और कौन कहां जा रहा है? रोज सैकड़ों हजारों लोग भारत से नेपाल जाते हैं और नेपाल से भारत आते हैं। प्राइवेट टैक्सी भी यहां बड़े आराम से मिल जाती है। अकेला बिहार 726 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। यूपी 551 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। भारत कुल 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, वो आपके सुनने लायक है और गौर से सुनने लायक है। जब से पंजाब और बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग हुई है, उसके बाद से ही नेपाल राष्ट्र विरोध ताकतों का एक आसान रास्ता बन गया है। भारत और नेपाल के दोस्ताना रिश्ते होने की वजह से कोई भी फेंसिंग इन बॉर्डर के बीच नहीं बनाई गई, जिसका घुसपैठिए गलत इस्तेमाल करते हैं, और घुसपैठियों के लिए नेपाल आसान रास्ता बन गया है। यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर चेकिंग होती है, लेकिन फिर भी घुसपैठिए सीमा पार कर आ जाते हैं। बड़ी बात यह है कि अब तक यहाँ ये भी पता नहीं चल पाया है कि सीमा हैदर सिर्फ प्यार में पागल होकर हिंदुस्तान आई है या फिर इसे प्लांट किया गया है, क्योंकि आईएसआई की साजिश कई बार सामने आ चुकी है। जब वो भारतीयों को हनी ट्रैप में फंसाता है, डीआरडीओ के साइंटिस्ट पर वो अपना जाल फेंक चुका है, कई भारतीय सैनिकों पर वो अपना जाल फेंक चुका है और कामयाब भी हो चुका है। पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पैसों का लालच देकर ये सब करवाया जाता है। उन्हें हिंदुओं की तरह रहना सिखाया जाता है।
पूजा करनी सिखाई जाती है, रहन सहन सिखाया जाता है, ओढ़ना पहनना सिखाया जाता है। तो आईएसआई की साजिश से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। भारत सरकार को इकरा और सीमा हैदर के केस को ध्यान में रखते हुए नेपाल से अपने दोस्ताना संबंधों से ऊपर उठकर सीमा पर चौकसी को और बढ़ा देना चाहिए, जिससे इन घुसपैठियों को रोका जा सके और देश को अस्थिर करने की सोच को नेस्तनाबूद किया जा सके। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।